वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने यहां पर कोटद्वार विधानसभा के शिवराजपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। ऋतु खंडूड़ी ने ये बताया कि डॉक्टर साहेब हमारे आदर्श रहे हैं। पूरे देश भर में उनकी पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ऋतु खंडूड़ी ने डॉक्टर साहब के द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्यों को उन्होंने याद किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहेब द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए सभी को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। साथ ही साथ ऋतु खंडूड़ी भूषण ने उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता के बीच रखा और फिर जनता की समस्याएं भी सुनी और हर संभव पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। कोटद्वार से राजेंद्र खंतवाल की खास रिपोर्ट। आज हम शिवराजपुर में हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हम महापरिनिर्वाण दिवस हमने यहाँ पर मनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा शिवराजपुर में आकर यहाँ की बहनों और भाइयों से मिलकर। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। उसके अलावा हमने हमारे लिए अंबेडकर जी प्रेरणा स्रोत हैं। कैसे उनके जीवन की हर जो घटना है उसको हम कैसे पढ़ें, कैसे समझें, कैसे उनकी जो आइडियल्स हैं उनको लेकर आगे बढ़े, उस पर भी चर्चा हुई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज यहाँ पर हम लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया और साथ ही साथ शिवराजपुर इलाके में हमने किस तरह का विकास करने का प्रयास किया है वो भी जनता के बीच में मैंने रखा, चाहे वो सड़कें हो, पुल हो, आर्थिक सहायता के तौर पर कुछ जो हमारे कमजोर लोग हैं उनको मदद करने की बात हो, इनका जो हमारा पंचायत घर है उसको ठीक करने की बात हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम हमने यहाँ पर किए और आगे भी करते रहेंगे। आज हम